इस बार बीजेपी नहीं आएगी, कुछ ही सीटों में आएगी, बाकी नहीं आएगी। यहाँ पर 8 सीटें थी, लगभग 4 की तो गणित है बीजेपी की, 4 में टक्कर है, 4 में टक्कर है। असल में सरकारी जो जमीनें हैं ये सब जो है बिक गई है, यही विकास है रीवा का। सरकारी जमीनें बिक गई है और यही विकास है रीवा का। हमें तो नहीं लगता है कि ना केंद्र सरकार ने और ना राज्य सरकार ने यहाँ पे कोई विकास किया है। कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आए, आप पार्टी आए, बीजेपी आती है, सबसे पहले उसको बेरोजगारी महंगाई दोनों चीजों को कसना होगा। यहाँ का प्रशासन एकदम ढीला है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम मौजूद हैं रीवा में। रीवा की एक फेमस मार्केट है शिल्पी प्लाजा मार्केट और ये साईं मंदिर से जुड़ी हुई है और यहाँ पर जो है चौपाटी है, चाट का आनंद लेने आते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि चुनावी सरगर्मी है तो इस समय चुनाव के मुद्दे भी हावी होते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भाई साहब जी, चुनावी मौसम चल रहा है, सरगर्मी बड़ी तेज है, क्या कहना है रीवा की चुनावी मिजाज क्या है? रीवा को वही पुराना ही है। पुराना? हाँ, क्या समझे? रीवा शहर से तो बीजेपी लग रही है। हाँ, बीजेपी लग रही है। तो कह तो रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है और इस बार ईवीएम अगर खराब हुई तो हो सकता है कुछ दूसरा हो। नहीं, देखिए जो सच्चाई है तो वो सच्चाई है, विकास विकास तो दिख रहा लोगों को, दिख रहा है। हाँ? हाँ, तो क्या लगता है कि फिर से वही होगा? रीवा में वही होगा। और 8 विधानसभाओं में? 8 विधानसभा में बीजेपी हारेगी। हाँ, कितने? 5 में हारेगी बीजेपी। 5 में? हाँ, आएगी आपके पास। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की? बीजेपी की। रीवा के 8 विधानसभा में? रीवा में 8 में 8 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा। और फिर से परचम भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा, फिर से हम सरकार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने विकास के आधार पे विकास किया है। हाँ, विकास के आधार पे सब कुछ। आप देखिए रीवा को, आप देखिए, आप पिछले 2003 के पहले भारतीय जनता रीवा को देखिए और आज देखिए, अंतर अपने आप दिखे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हुआ है जी, रीवा में विकास हुआ है भाई साहब। इस बार क्या लगता है क्या होने वाला है रीवा में? बदलाव आएगा। तो भाई साहब तो बोल रहे हैं कि फिर से रिपीट होगी। नहीं, बदलाव आना है। नहीं, बदलाव होगा ना, सरकार बदलेगी। सरकार बदलने में थोड़ी संशय है, रीवा शहर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब रीवा में फिर से बीजेपी 8 में? नहीं। हाँ, इस बार कौन? इस बार बीजेपी नहीं आएगी। हाँ, कुछ ही सीटों में आएगी। हाँ, बाकी नहीं आएगी। हाँ, कुछ सीटों में आएगी बीजेपी, कुछ सीटों में आएगी। लेकिन रीवा जिले की बात करें, जो विधानसभा आपकी है, वहाँ का क्या है माहौल? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। कांग्रेस क्यों आएगी? उसका काम अच्छा होगा, बदलाव होना चाहिए। बदलाव? वैसे भी लोग बदलाव का रुख कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी बदलाव के साथ चल देंगे। हाँ, हम भी चल देंगे बदलाव। फिर बीजेपी यहाँ से कांग्रेस का सत्ता आएगा, फिर कुर्सी कांग्रेस की आ जाएगी? नहीं, कांग्रेस सरकार कांग्रेस की आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भाई साहब अभी खरीदारी करने आए थे और चौपाटी का आनंद उठाए हैं, लेकिन इस समय जो मौसम चल रहा है और जो तासीर मिल रही है वो चुनाव की मिल रही है, क्या क्या लगता है इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? रहेगी कांटे की टक्कर। हाँ, बाकी रीवा से तो राजेंद्र शुक्ला जी जीती। और बाकी जगहों से? अब यहाँ पर 8 सीटें थी, लगभग 4 की तो गणित है बीजेपी की। हाँ, 4 में टक्कर है। 4 में टक्कर है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार सरकार बदलेगी। अगर सरकार बदलेगी तो क्या रीवा का वजूद और रीवा की ताकत उतनी रहेगी जो अभी तक होती आई है? बिल्कुल रहेगी। जो लोग नए लोग आएंगे यहाँ से जीत के जाएंगे, उनका सरकार में प्रभाव रहेगा और वो सब लोग उतना ही काम करेंगे जितना अब। ये काम जो है ना, जो एक माइलस्टोन बन गया है, जिसको भी नेतागिरी करना है रीवा से या क्षेत्र से, उसको इस माइलस्टोन को देखना पड़ेगा। जो काम राजेंद्र शुक्ला जी ने किया है वो आगे यदि राजेंद्र शर्मा जी जीत के आते हैं उनको करना पड़ेगा, या दूसरे लोग भी जो लोग जीत के आए हैं उनको ये सब काम करना पड़ेगा, तभी आगे जनता उनको काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। राजेंद्र शुक्ला ने बहुत कुछ काम किया है क्या कि आगे राजेंद्र शर्मा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं, वो जो है असल में सरकारी जो ज़मीनें हैं ये सब जो है बिक गई है, यही विकास है रीवा का। सरकारी ज़मीनें बिक गई है? हाँ, और यही विकास है? यही विकास है रीवा का। तो अब और लोग तो बोलते हैं किसी विकास को आगे बढ़ाना है। नहीं तो भाई, ज़मीनें अगर बिकी हैं तो उनका पैसा मिला है। हाँ, उसी पैसे से विकास हो रहा है। हाँ, कोई अब मुख्यमंत्री तो आगे विकास करेंगे नहीं। हाँ, तो यहाँ की ज़मीनें जो खाली पड़ी गई थी। हाँ, जो जर्जर हालत में थी, उनका
टूट फूट होके उसको नए हिसाब से विस्तार किया गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं, जो जमीन टूटने, जो बिल्डिंग टूटने लायक नहीं होती है उसको भी तोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे रोड बने, बिल्डिंग बने और कुछ पैसा आए। ये आम जनमानस का कहना है, ये सरकार को पैसे की तो जरूरत है। हाँ। तो किसी का घर किसी की बिल्डिंग तोड़ नहीं, किसी का घर और कैसे किसी की बिल्डिंग नहीं तोड़ी गई है। हाँ। अगर किसी की बिल्डिंग तोड़ी गई है तो उसको ऊपर से या कहीं बीच में उनको जगह दी गई है। हाँ। और उसको ये समझना चाहते हैं कि क्या विकास किसी का आशियाना तोड़कर होता है, क्या लोगों को परेशान है, बोलने से मतलब नहीं होता, किसका तोड़ा गया है, किसका मकान टूट गया है। इसमें जो है सरकारी जितने क्वार्टर हैं और ये सब शहर के बीचों बीच में है, हार्ड प्लेस में है, इसको तोड़कर इनका नीचे से लेके और मुख्यमंत्री तक पैसा बांटे हैं और ये जमीन दिए हैं यहाँ सरकार जो मंत्री जी हैं और समदरिया जी का पैसा लगा हुआ है, जमीन इनकी है, इनका जो भी मामला हो अंदर, और यही विकास है और यहाँ मतलब 2.5 करोड़ की दुकानें बिक रही है, यही विकास है रीवा का। अच्छा, समदरिया नाम, जब मैं रीवा जिले में आया मैं परिचित था इस चीज़ से, समदरिया नाम बहुत चल रहा है, आपने सुना है समदरिया जी को? सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। ये कौन है साहब? सुनने में आता है कि जवलपुर से कोई अजीत समदरिया जी हैं। हाँ। जो काफ़ी बड़े बिल्डर हैं और मंत्री जी के खास हैं। हाँ। बीजेपी सरकार में इनकी अच्छी कदायत है। हाँ। आपने अभी दो मुद्दे बताए विकास की बात की, हमें तो नहीं लगता है कि ना केंद्र सरकार ने और ना राज्य सरकार ने यहाँ पे कोई विकास किया है। हाँ। सिर्फ कांग्रेस की नीतियों पे ये आगे चले हैं। हाँ। उसी पे इन्होंने अपना नाम दे दिया है, नए नए नाम बदल दिए हैं। आप हमें ये बताएं कि किसी भी शहर का नाम बदलने की क्या आवश्यकता है? 300 करोड़ रुपए एक शहर का नाम बदलने में लगते हैं, वो इनके जेब से आते हैं, ये अपने कमा के लाते हैं, ये हमारे जैसे आम व्यापारियों की जेब से पूरे पैसे खींचते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं और अपने बैठे हुई पावर पे उसका गलत उपयोग करते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उठा लीजिए, आप बताइए कौन सा युवा है कि जो रोजगार पाया हो? जो हरमंच से शुक्ला जी तो कहते हैं कि बहुत एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट यहाँ पे है, एक भी रीवा से बता दे कोई एक, उसमें करीब 1000 लोग जॉब कर रहे होंगे, एक एक रीवा का आके मुझे बताया कि मैं सोलर प्लांट में काम कर रहा हूँ। दूसरी परियोजना इनकी, मैं आपको परियोजनाएं गिनाता हूँ, सोलर प्लांट इन्होंने सोलर प्लांट बनाया, आज हम रीवावासी 8.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं और दिल्ली की मेट्रो 1.5 रुपए प्रति यूनिट में चल रही है, ये इनका विकास है। अगर ये विकास पुरुष कहलाते हैं तो रीवा शहर का विकास कहलाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अच्छी बात है, आप किसी बिल्डर को प्रॉपर्टी दे दोगे वो बिल्डर बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, लेकिन उसको मनमाने रेट पे बेचकर उससे विकास नहीं किया जाता है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई अभी तक लोग कहते थे 474 रुपए का सिलेंडर, आज 1100 रुपए का ले रहे हैं, 200 रुपए घटाते हैं, वो भी चुनाव आ गया है, अभी तो 2-3 दिन बाद मिलेगा पेट्रोल भी 1-2 रुपए नीचे। भैया इसको मुद्दा जो है ये बहुत महंगाई का मुद्दा सबसे जटिल है, बेरोजगारी सबसे जटिल है। सबसे पहले अगर कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आए, आप पार्टी आए, बीजेपी आती है, सबसे पहले उसको बेरोजगारी महंगाई दोनों चीज़ों को कसना होगा। यहाँ का प्रशासन एकदम ढीला है, 500 रुपया में गाड़ी पकड़ते हैं, चाहे वो सिरप से भरी हो चाहे गांजे से भरी हो, 500 रुपया में छोड़ते हैं। भाई साहब ये सिरप नाम जो है ये रीवा की गलियारों में बहुत घूम रहा है, रीवा शहर का विकास पुरुष जी सिरप क्या है, विकास पुरुष जी के लिए बता रहा हूँ कि रीवा शहर का 90% युवा जो है कोरेक्स की डील पे है, केवल माहौल पीता है और क्राइम करता है, चैन स्केचिंग करता है, उसको नियंत्रित करें, प्रशासन को टाइट करें, अगर उनको अगली बार आना है तो थोड़ा सा जिम्मेदारियों को देखें। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा यहाँ पे ब्लैकआउट का, लाइट का बड़ा झंझट था जून में, जबकि होना नहीं चाहिए क्योंकि ये जिला मुख्यालय है, यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर भी मंत्री जी दांत खोदते हुए, अगर कोई जाता है तो वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और दांत खोदते हुए छत पे मिलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे तो लाइट जानी नहीं है। मतलब मंत्री जी का सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जनता परेशान हो, जनता रोड में आए, कोई मतलब नहीं है, जनता रोड पे है।
आप विकास की बात करते हैं, आप बताइए ना मुझे विकास आपका शहर, आप अच्छा, कितने सालों से रीवा अच्छा, आ रहे हैं। अच्छा एक चीज और है जी, एक चीज और है, मैं तो इलेक्शन में आया हुआ हूँ और जानने के आया हूँ कि लोगों के भाई चुनावी में मुद्दे तो राजनीति मुद्दे बड़े सारे आ जाते हैं, बड़े लोक लुभावने आ जाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि हम किसानों के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, लेकिन आप लोग बताएंगे क्या होता है? किसान क्यों बेमौत मर रहा है, किसान क्यों फांसी लगा रहा है, उसका मुद्दा उठाइए, आप उठाइए, हमें हम आपके साथ होंगे। मीडिया जो सबके सत्य दिखाता है, मीडिया फ्रंट पे आए और मीडिया दिखाए सच्चाई, क्यों दिखाया जाता है? अडानी का लोन माफ किया जाता है, अंबानी का लोन माफ किया जाता है, और यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा से हो या स्टेट बैंक से हो, अगर किसी ने 50,000 का लोन ले लिया उसको धमकी दी जाती है, किसान 2,00,000 के लिए आत्महत्या करता है। यूरिया और खाद के लिए वो लाइन पे लगता है, और जब रेट आता है तो 20 रुपए किलो का अनाज बेचेगा, 1 रुपए किलो आप क्यों बांट रहे हो फ्री में? आपकी जेब का जा रहा है 1 रुपए किलो उसने खरीदा। देखिए इसकी कॉस्टिंग समझिएगा, किसान गेहूं उगाता है 20 रुपए में MSP रेट पे बेचा, 20 रुपए खरीदती है सरकार, उसके बाद उसको अपने डंप पे ले गई, ₹2 खर्चा उस पर भी लगा, 22 रुपए का हो गया, उसके बाद फिर उसने दूसरे डंपों में भेजा, 2-4 रुपए का खर्चा और लगा, लगभग 30 रुपए का गेहूं 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो में बेचने की क्या आवश्यकता है? तो कमीशन खोरी बीच के, कमीशन खोरी नहीं, ये सिर्फ नेताओं की कमीशन खोरी है, बाकी किसी की नहीं, जनता में बताओ ये किसान खड़े हैं, ये किसान बताएंगे। मैं तो ये देखता हूँ कि किसान जो है वो जितनी लागत लगाता है उससे कम आमदनी हो पाती है, लेकिन जब वो गेहूं बेचता है तो औने पौने दाम में बिकता है। किसान जो उगाता है औने पौने दाम में बेचता है भाई, ना उसका सरकार सही मूल्य देती है, ना बिचौलिया जो यहाँ पे व्यापारी बैठा हुआ है एक बड़ा मगरमच्छ वो भी नहीं देता है। तो सिंपल सा है कि भैया आपका जो पैसा है किसान के पास बराबर नहीं जाएगा, तो किसान क्या करे, किसान आत्महत्या करे। अच्छा साहब एक और मामला चल रहा है और 2-3 महीने से बड़ा गूंज है, बड़ी लाइनों बैंकों में लगी, लाडली बहना कुछ नहीं, ये क्या दिखावा है? ये क्या है आपके पास आएंगे? ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है, विकास के नाम पे यही तो लूट है। अच्छा। जो सब पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा, चुनाव के समय लाडली बहना को याद किया जाता है, 15 साल से याद नहीं किया, अचानक याद आ जाती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब ये मामा जी बता पाएंगे, मामा जी तो बोल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं, महिलाएं जूता चप्पल खरीदे, बच्चों को खाने टॉफी के लिए दें। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी महिला 2000 पाती होगी और उससे अपना भरण पोषण भी कर। हालांकि लाडली बहना बंद भी हो चुका है क्योंकि अब चुनाव आ चुका है और अब इस बार आना भी नहीं है। चलिए भाई साहब थोड़ा आगे अब बात करते हैं, आप हमारे साथ जमे रहिएगा, बने रहिएगा। क्या साहब लकालक कोट पैंट एकदम, चुनाव नहीं, चुनाव नहीं है, मीडिया, मीडिया से है अब। अच्छा मीडिया का क्या कहना है, पूरे 8 विधानसभाओं का आपका आकलन? उल्टी गिनती शुरू है केंद्र और राज्य सरकार की, बदलाव होगा सही वक्त पर। और रीवा में 8 विधानसभाओं में 8 में 1-2 जीत जाए भाजपा, ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा अभी कांग्रेस की टिकट की रणनीति की गलती से जी, नहीं तो 8 के 8 सीट हार जाती। अच्छा सर आपका जो आकलन होगा बड़ा सटीक होगा, किस वजह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है? शिवराज से लोगों को अब कोई उम्मीद बची नहीं है, शिवराज के खिलाफ बिल्कुल लहर है, शिवराज विरोधी वातावरण है, शिवराज पर कोई किसी को कोई भरोसा नहीं, उसकी गालबाजी से लोग तंग आ गए हैं। और केंद्र में केंद्र का सवाल अभी अगले साल आएगा। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में रीवा विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है सीधे सीधे, बाकी किसी पार्टी को कोई एक सीट नहीं मिलने वाली, और इन दो पार्टियों में भी शिवराज और कमलनाथ का मुद्दा है, यहाँ तीसरा सेंट्रल का कोई लीडरशिप का कोई इफेक्टिव नहीं है। रीवा विधानसभा का, रीवा विधानसभा में भी यही हाल है। तो क्या बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाने वाली है। हाँ बीजेपी हर जगह से खत्म। शुक्ला जी की विधायिकाएं, कौन शुक्ला जी? विधायक जी, अरे विधायक थे अब वो नहीं रहे। वो विधायक थे। अच्छा एक चीज और है, रीवा जिले में जो ये पान की दुकान है ये बहुत फेमस है, लोगों ने बोला जब हम यहाँ आए क्योंकि आज दशहरा का त्यौहार है और कहते हैं कि दशहरे के त्यौहार में पान खाना चाहिए, क्यों भाई साहब आप लोग भी पान खा रहे हैं? ये पान बहुत फेमस है, थोड़ा बताएंगे फिर आप सही से बात करेंगे।
भैया सही बात है। थोड़ा साफ बताइए, शेखावत जी का जो पान है बहुत फेमस पान है। हाँ। हमारे यहाँ के लोग कम से कम आज देख लीजिए कितनी भीड़ है, आज बस नहीं, पर डे ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जितनी जिस दिन इतनी भीड़ ना होती हो। पान का लुत्फ, पान की चुस्की और राजनीति की बातें, चुनाव की बातें बहुत जमती है रीवा में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। कहाँ होने वाला है इस बार भैया? इस बार मंत्री जी जीत के आने वाले हैं फिर से। अगेन बोल तो रहे हैं कि मंत्री जी की विदाई तय है। कौन बोल रहा है विदाई तय है? लोग बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मंत्री जी फिर से जीत के आ रहे हैं। मंत्री जी फिर जीतेंगे, बिल्कुल फिर से जीतेंगे भैया। शुक्ला जी जीतेंगे। काहे जीतेंगे? काम करे हैं। हाँ, मतलब जैसे पान आपका कोई खाया है तो बार बार आएगा, बार बार आएगा, ऐसे वो भी काम करे हैं। दस साल में काम करे हैं बहुत ना भैया, काम किए हैं मंत्री जी ने। अब यही बताएंगे सर, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब भाई काहे नहीं दिख रहा, ब्रिज पुल बनी है, वो बनी है, काहे नहीं दिख रहा? कुछ चला था सारे, काहे चला? आइए चलो, आइए चलता है, आप ही लोग चलते हैं गाड़ियों में ब्रिज ना भैया।